लास्ट टाइम आई टॉट यू लेसन नंबर 4, द आंट एंड द एलिफेंट. रिमेंबर इट, आई टोल्ड यू अ स्टोरी. एलिफेंट वॉज अ चैंपियन, रेसलर चैंपियन, बट सडनली आंट वॉन्ट टू चैंपियन, तो वो उसने उस एलिफेंट के ईयर में डांस किया और वो चैंपियन हो गई. रिमेंबर इट. Now we will discuss question answer. WHO who, WAS was, ANN excellent, EXCE double L E N T. Wrestler WRESTLER wrestler. Put the question mark. क्योंकि because हम question पूछ रहे हैं तो पुट द क्वेश्चन मार्क. आंसर क्या होगा, कौन रेसलर था, सो राइट डाउन एन एलिफेंट, ANNELEPHANT एन एलिफेंट. क्वेश्चन नंबर 2, WHAT वॉट, DID डिड, THE द, ANT आंट, DO डू, IN इन, एलिफेंट, ELEPHANT एलिफेंट ईयर. एलिफेंट के कान में आंट ने क्या किया, तो क्या किया था, डांस्ड, DANCED डांस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन 3, WHO हु, DEFEATED डिफिटेड जीब्रा, ZEBRA जीब्रा. हु डिफिटेड जीब्रा, जीब्रा को किसने हराया, क्वेश्चन मार्क था ना, बिकॉज ये हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो पुट द क्वेश्चन मार्क. आंसर क्या होगा, एन एलिफेंट, ANNELEPHANT एलिफेंट, एन एलिफेंट. नाउ उसके बाद आप एलिफेंट के बाद आप फुल स्टॉप भी लगाएंगे, आंसर जब खत्म हो जाएगा तो पुट द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन में, आंसर फिनिश होने के बाद फुल स्टॉप. Now question number 4, who was, WHO who, WAS was, THE the, referee, REFEREE, who was the referee, referee कौन था, monkey, MONKEY. देखिए question के बाद question mark लगाना नहीं भूलना और answer के बाद complete होने के बाद full stop. Last question, who danced, WHO who, DANCED dance, IN in, the, EAR, OF of, elephant, ELEPHANT. किसने डांस किया था एलिफेंट के कान में, एन आंट, किसने किया था, आंट ने. तो ये आपके क्वेश्चन आंसर है, आई एम सेंडिंग अ PDF ऑल्सो, तो प्लीज राइट इन योर कॉपी 2-2 times एंड लर्न इट. ये 1-5 क्वेश्चन है, अब आपको इसको एप्पल कॉपी में लिखना है और लर्न भी करना है. ग्रामर के लिए कोई अलग से कॉपी नहीं बनानी है, ग्रामर एप्पल कॉपी में ही साथ साथ करते जाएंगे. नाउ वी विल डिस्कस, टिक द करेक्ट ऑप्शन. Which one? Tick the correct option. Who was the wrestling champion? Number 1 है. Who was the wrestling champion? Wrestling champion कौन था? Number 1 में देखिए elephant and ant. तो elephant था, तो elephant को हम tick करेंगे. क्या करेंगे? Elephant को tick करेंगे. सही answer को हमें tick करना है. नंबर 2 है, हु वॉज टॉलर, सबसे लंबा कौन था, जिराफ और जिब्रा. तो कौन था सबसे टॉलर, जिराफ. नंबर 3 है, हु वॉज डिफीटेड फर्स्ट, सबसे पहले कौन हारा था, जिब्रा और जिराफ. तो सबसे फर्स्ट हारा था जिराफ, जिब्रा, सॉरी जिराफ नहीं, जिब्रा. नंबर 4,
वॉज द रेफरी, रेफरी कौन था, जीब्रा या मंकी? तो हम मंकी को टिक करेंगे क्योंकि रेफरी कौन था, मंकी। हु वॉज द चैंपियन एट द एंड, आखिरी में चैंपियन कौन बनता है? तो आंट बनती है या एलिफेंट, आंट। कौन बनती है, आंट। अब उसके नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। अब क्या है आपका ट्रू फॉल्स, देयर वॉज अ रेसलिंग चैंपियन इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रेसलिंग चैंपियन हो रही थी, यस। तो आप उसको ट्रू करेंगे। एलिफेंट वॉज एन एक्सलेंट रेसलर, नंबर टू है, एलिफेंट एक्सलेंट रेसलर था, ट्रू। हाँ वो बहुत अच्छा रेसलर था। द आंट बिकम द रेसलिंग चैंपियन, थर्ड वाला है, तो हाँ आंट रेसलिंग चैंपियन बन गई थी। द आंट डिफीटेड द जीब्रा, आंट ने जीब्रा को डिफीट किया था क्या, हराया था क्या, नो। तो हम उसको फॉल्स करेंगे, एफ करेंगे। द जीब्रा वॉज टॉलर देन जिराफ, जीब्रा जिराफ से टॉलर था क्या, नो। अब उसके बाद आपको ए ई आई ओ यू ये जो खाली स्पेस है उसमें आपको फिल करना है। तो देखिए पी ई, पी के बाद स्पेस खाली है, मैंने ई लिखा है, सी के बाद आई लिखा है, तो वो स्पेल हो गई पेंसिल। फिर नेक्स्ट है एलिफेंट, तो देखिए मैंने लिखा है ई, ब्लैंक जगह थी, फिर नेक्स्ट ब्लैंक में भी ई लिखा है और नेक्स्ट ब्लैंक में भी ए लिखा है, तो वो हो गई एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी एलिफेंट। नेक्स्ट है एक्सीलेंट, ई एक्स सी ई डबल एल ई एन टी, तो जो खाली जगह थी उसमें मैंने ई ई ई तीन बार ई लिखा है। उसके बाद है नंबर फोर, उसमें भी मैंने ई और ई लिखा है, वो हो गया रेसलर। आपको ये स्पेलिंग जो हमारे चैप्टर में आई है वो आपको उसके हिसाब से ही वो फिल इन द ब्लैंक से जो आपको कंप्लीट करनी है। फिर है लास्ट वन चैंपियन, विच वन चैंपियन, तो चैंपियन में भी मैंने ए एंड आई फिल इन द ब्लैंक्स में लिखा है। फिर ये मैच द पेयर है, तो मैच द अपोजिट से पेयर बनाना है, तो गिव यानी लेना, टेक यानी देना, स्मॉल यानी छोटा, बिग यानी बड़ा, रॉस यानी बुद्धू, एक्सलेंट यानी जो बहुत अच्छा करते हैं बच्चे, दैट इज एक्सीलेंट, लिटिल यानी छोटा, लिटिल यानी कम, मच यानी ज्यादा, न्यू यानी नया, ओल्ड यानी पुराना। तो आपको इसी तरह से ये आपको जोड़ियां बनानी है अपोजिट की। फिर आपको हैव और हैज का यूज करना है, तो हैव और हैज का आपको सिंगुलर में हम हैज यूज करते हैं और प्यूरल में हम हैज यूज करते हैं। तो आपको इसी तरह आई के साथ हैव, सोनू के साथ हैज, ही के साथ हैज, वी के साथ हैव, शी के साथ हैज, वी के साथ है, एलिफेंट के साथ हैज, शी के साथ हैज, दे के साथ हैव और शी के साथ आपको हैज यूज करना है। इसमें भी इसी तरह से आपको हैव और हैज का यूज करना है, इट के साथ हैज, इट के साथ हैज, सोनू के साथ हैज, शी के साथ हैज और यहाँ पर शी के साथ हैज। यहाँ पर भी हैव और हैज का यूज करना है, तो सिंगुलर के साथ हम हैज यूज करते हैं और प्यूरल के साथ, सिंगुलर के साथ हम हैव यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ हम हैज यूज करते हैं और प्यूरल के साथ हम हैव यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये एक्सरसाइज मैं पीडीएफ में भी भेज रही हूं, तो यू कैन डू वेरी इजीली। अब आपको ये प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी वर्ड्स का यूज करना है। तो नंबर वन, डू यू वॉन्ट टू सम
डू यू वॉन्ट सम कॉफी, आपसे यदि कोई पूछे कि आपको कॉफी चाहिए तो हम क्या बोलेंगे, नो थैंक यू, हमें नहीं पीनी होगी तो हम बोलेंगे नो थैंक यू. वुड यू लाइक टी, सेकेंड में पूछेंगे आपको चाय पीनी है तो हम बोलेंगे यस प्लीज, हाँ हमें पीनी है. फिर लास्ट वन है मे आई गो आउट टू प्ले, तो मैं पूछ रही हूं कि मैं को बाहर खेलने जाऊं क्या, तो आई एम सॉरी यू कांट. टीचर बोलती है या मम्मी कभी कभी मना कर देती कि नहीं आप खेलने नहीं जा सकते. आप ऐसे ही ये फन टाइम है, ऊपर आपको मंकी, जेबरा, जिराफ, आंट, एलिफेंट, ट्रीज और फॉरेस्ट की स्पेलिंग दी हुई है और ये आपका पूरा एक ये बना हुआ है, इसमें आपको कंप्लीट करना है. तो देखिए मैंने बनाई है नंबर वन में मंकी है ना, ये मैंने सब नंबर डाले हैं, फिर नंबर मंकी, फिर आपको मंकी के बाद नंबर टू में ये जिराफ है, नंबर फोर में फॉरेस्ट है, फिर नंबर सिक्स में आपको है ट्रीज है, ये नंबर सिक्स में आपको ट्रीज है, तो मैंने नंबर थ्री में आपको जिराफ है, नंबर फोर में आंट लिखा है, नंबर फाइव में एलिफेंट है. तो देखिए ये मैंने आपको पूरा ऐसे बनाकर किया है, आप भी अपनी कॉपी में देखिए सबसे नीचे एलिफेंट आ रहा है, सबसे ऊपर मंकी आ रहा है, तो आपको ये देखकर करना है ठीक है. और व्हाट शुड यू डू इफ यू आपके घर में कोई गेस्ट आएंगे तो आप क्या करेंगे, तो आप क्या क्या कर सकते हैं हमारे घर में, तो आपको उसको टिक लगाना है, ओपन द डोर. हमारे घर में कोई अंकल आएगा तो हम क्या करेंगे, हम डोर को ओपन करेंगे, उसको टिक करते हैं अपन. वेलकम द गेस्ट, हमारे घर में अंकल आंटी आएंगे तो हम उनका क्या करेंगे, वेलकम करेंगे, उनको बोलेंगे ना नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, आइए बैठिए. फिर नंबर थ्री है ऑफर द गेस्ट, हम हमारे घर में कोई गेस्ट आएगा तो हम उनको चाय कॉफी पानी पिलाते हैं ना, तो हम उनको ऑफर करेंगे. फिर कॉल योर पेरेंट्स, और हम अपने पेरेंट्स को बुलाएंगे, ये सब टिक करेंगे. पर क्या हम अपने घर में कोई आएगा तो हम खेलने चले जाएंगे, नहीं, इसलिए हमने उसको टिक नहीं किया. डोंट ओपन द डोर, हमारे घर में कोई हमारे मम्मी पापा के फ्रेंड्स आएंगे तो क्या हम दरवाजा नहीं खोलेंगे, इसलिए हमने उसको भी टिक नहीं किया, हम दरवाजा खोलेंगे. यदि कोई स्ट्रेंजर है, कोई न्यू है जिन्हें हम नहीं जानते तो हम डोर ओपन नहीं करेंगे, पर हमारे घर में कोई अंकल आंटी आते हैं तो हम दरवाजा ओपन करेंगे. तो आई एम सेंडिंग यू पीडीएफ ऑल्सो.